मगर बकीन तेरी दाल जान मन डंडे से उतारूंगा तेरी दाल एक छोटे से बच्चे ने 10 रुपए का इनाम उसकर पहुंचाया है अभी बढ़िया सर डंडे से उतारूंगा तेरी खाल जाने मन और मुद्दत से जाने मन में हूँ घर में पड़ा हुआ मुद्दत से जाने मन में हूँ घर में पड़ा हुआ जाकर रहूंगा अब तो मैं ससुराल जाने मन जाकर रहूंगा अब तो मैं ससुराल जान मन डंडे से उतारूंगा तेरी खाल जान मन तूने घर पड़ोस में जाना नहीं छोड़ा तूने घर पड़ोस में जाना नहीं छोड़ा चोटी के उखाड़ूंगा तेरी दोस्तों एक आदमी की शादी हुई और शादी होने के बाद जब दुल्हन आई तो 3 महीने के बाद लड़का हो गया अब जब 3 महीने के बाद लड़का हो गया तो सारे गांव में तो उस लंबे को छेड़ने लगे लोग बाहर 3 महीने में क्या बात है भाई अब उसके अंदर का मर्द जाग गया जब उसके अंदर का मर्द जागा तो वो हाथ में डंडा लेके भागा और घरवाली की तरफ पूरा डंडा लेके सीधा हो गया उसका कहना ओए सारे गांव ने मुझे तबाह कर रखा सारा जो नए बांस वाले हैं उनको घेरे कहना मैं ऐसे कुकर हुआ घरवाली बड़ी समझदार थी कहने लगी इधर आओ मैं तुम्हें हिसाब समझाऊंगा अब उनने बिठा लिया उसे कहने लगे एक बात बताओ तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए बोला 3 महीने और मेरी शादी को बोला 3 कितने हो गए 6 अब लड़का कितने दिन में हुआ अब 3 महीने में बोले कम वक्त हो तो गए 9 महीने अरे गांव के लोग पागल बना रहे तारा खाना बीवी हो मेरी इश्क लड़ाती हो गैर से बीवी हो मेरी इश्क लड़ाती हो गैर से इज्जत करो ना तुम मेरी पामाल जान डंडे से उतारूंगा तेरी खाल जान मन जब तक था जख्मी शायर करते थे सब अदब जब तक था जख्मी शायर करते थे सब अदब तूने बना दिया मुझे कौआल जान डंडे से उतारूंगा तेरी खाल जान मन बताओ मुझे जल्दी अपनी फरमाइश बताओ ससुराल वाली सुना दो मैं ससुराल वाली सुना दो ससुराल वाली डायलॉग के साथ में अच्छा जी डायलॉग के साथ भाई साहब ये उस वक्त की बात है जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी आ जाओ तुम तो तुम्हारी सुना देंगे तो पहले तुम्हारे बारे में तो दोस्तों जब किसी की शादी हुआ करते हम भी सोचते करते यार हमारी भी शादी हो जानी चाहिए लेकिन हमें क्या पता था आज ऐसा कल गुरु होगा जब 2-4 को देखा हमने ऐसे ही तो हमारे भी दिल में ख्वाहिश जागी कि शादी हो जा मैं एक दिन में ऐसे ही सोच रहा था सोचता सो गया और सपने में ससुराल चला गया और सारी बात सपने की है सुन लियो भाई गौर से ससुराल चले गए रे और सपने में हम रात में ससुराल चले गए रे और सपने में हम रात में कंध धोती ले रे रे तेरे की थैली हाथ और सपने में हम रात में अरे जा कोई मेरी सासू ने डबल मुसेरी बिछाई अरे जा कोई मेरी सासू छोटी साड़ी हाथ में लेके दूध का लोटा जीजा
शर्माई, जीजा जीजा कह के मार गई, बिल्कुल ना शर्माई भाई, बिल्कुल ना शर्माई। फिर क्या हुआ? फिर कति जीसा आ गया रे, साड़ी के लग तो हाथ शादी है और आप पैसे सुन रहे हैं तो कुछ इनाम के नाम पे होना चाहिए। गलत बात है आपने। थोड़ी देर में मेरी सासू ने बना लिए अल्लू अंडे, मैंने सपने में डेढ़ अंडा खाया। एक दिन मैं सपना देख रहा जाना पपीता खा रहा और जब आंख खुली तक मुड़ के मार रहा था। थोड़ी देर में मेरी सासू ने नाम बता दो उधर दे दो जाना कितने बिलाल भाई की तरफ से 50 रुपए का इनाम आया है इस शानवाज की शादी की खुशी में। थोड़ी देर में मेरी सासू ने बना लिए अल्लू अंडे, 10 रुपए हुजैफा ने और 20 रुपए अब्दुल बाजी। थोड़ी देर में मेरी सासू ने बना लिए अल्लू अंडे, घरवाली ने कीमत पढ़ के भेजे 15 फैजान भाई और कैफ भाई की तरफ से 20 रुपए और फैजान की तरफ से 50 रुपए शादी की खुशी में आए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये आखिरी बात सुनिए भाई साहब, सारी बात सुनने की है, आखिरी में क्या हुआ? थोड़ी देर में इधर दे दो जी, कितने ये 20 रुपए भाई पैगाम साहब की तरफ से आए हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं इस शादी की खुशी में। सद्दाम भाई की तरफ से 50 रुपए का इनाम आया है और हम बेहद शुक्रगुजार हैं इन दोस्तों के, इन भाइयों के। थोड़ी देर में मेरी सासू ने घरवाली की कर दी तैयारी, नबी बहू मेरे संग में चली लग रही थी घनी रे प्यारी, चोरी चारी नू बोली तुम लियो नमस्ते मारी, चोरी चारी नू बोली तुम लियो नमस्ते मारी, चश्मी लियो नमस्ते मारी। फिर क्या हुआ? फिर मेरी आंख रे खुल गई रे, मैं पड़ा था बुनी खाट पे, मैं पड़ा था बुनी खाट पे, मेरी आंख रे खुल गई रे। कॉमेडी वाली सुना दो ना, तो बस कॉमेडी वाली सुना दो। डॉक्टर हसीब की तरफ से लो भाई।